जी भाई। दरबंद में खून है आले मोहम्मद से ऐ रबा, जनाब रबा कुरानी साहब की मिसरा आपकी समातों की अदालत में पेश कर रहा हूँ कि करबल में खून है आले मोहम्मद से ऐ रबा, गिरता हुआ जो दीन था फिर से समर गया, और क्या बात हुई खैमे शबे आशूर, देखो कोई ज़ईफ जवा में बदल गया, गुजारिश है कि आज तीसरे इमाम की विलादत है तो 3 मिनट में इंशाल्लाह हो जाए और फिर उसके कदीम हस्ती का जिक्र करना है, शायरों का शेर आबद रात ने समाप्त फरमाया, लेकिन निगाह हुसैन में जिंदगी क्या है और मौत क्या है इसका फ़र्क हमें और आपको नहीं मालूम। हम और आप जो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी को ज़िंदगी समझते हैं, और मौत जब आंखें बंद हो जाए और लहद में पहुंच जाए तो हम उसे मौत कहते हैं। मगर इमाम हुसैन की निगाह में ज़िंदगी क्या है मौत क्या है, एक शेर मुझे किसी शायर का याद आ रहा है कि हयात मांगने मैं भी गया था कर्बला, हयात मांगने मैं भी गया था कर्बला, कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो, हयात मांगने मैं भी गया था कर्बला, कफन हुसैन ने देकर कहा हाय हाय हाय। बहुत तेजी के साथ मुख्तसर से वक्त में कुछ ऐसी बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन का मर्तबा क्या है, हुसैन का मकाम क्या है। बड़ी मशहूर हदीस है ये रसूल की,
मैं ये कहता हूं कि हमारी कौम का एक एक बच्चा इस हदीस को जानता है कि मेरे नबी ने फरमाया कि हुसैन हिदायत का चिराग है, हुसैन निजात की कश्ती है। मैं आज खिदमत रिसालत माब में हाथ जोड़ के यह अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह, अगर हुसैन को तशबीह देनी थी तो चिराग से क्यों दी? अगर हुसैन को तशबीह देनी थी तो चिराग से क्यों दी? रोशनी का कोई बड़ा इस्तियारा तलाश करते और कहते कि मेरा हुसैन ये है, मेरा हुसैन ये है, मगर आपने जो तशबीह दी हुसैन को वो चिराग से दी। या रसूल अल्लाह, चिराग की रोशनी बड़ी छोटी होती है, अगर तशबीह देनी थी आपको तो आप फरमा देते इन्नल हुसैना शम्सुल हुदा, हुसैन हिदायत का आफ्ताब है। मेरे हुसैन को सूरज से तशबीह दे देते, या आप ये कह देते इन्नल हुसैना कमरुल हुदा, हुसैन हिदायत का महताब है। ना आपने हुसैन को सूरज से तशबीह दी, ना आपने हुसैन को चांद से तशबीह दी। सूरज की भी रोशनी बहुत ज्यादा है, चांद की भी रोशनी चिराग से बहुत ज्यादा है। ना आपने कहा हुसैन मेरा सूरज जैसा, ना आपने कहा हुसैन मेरा चांद जैसा। आपने क्या तशबीह दी? कहा हुसैन चिरागे हिदायत है, हिदायत का चिराग है, जो सबसे छोटा इस्तियारा रोशनी का था आपने वो इस्तेमाल किया। या रसूल अल्लाह, इसमें हिकमत क्या है? शायद रसूलुल्लाह आवाज दे, मैं यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूँ। ए दुनिया वालों, ऐसे काली कोठरी में कुछ इंसान जिंदगी गुजारेंगे जहां न सूरज की किरणें पहुंचेंगी न रोशनी चांद की। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह आपने चांद से तस्बीह नहीं दी, या रसूल अल्लाह आपने सूरज से तस्बीह नहीं दी। सूरज की भी रोशनी बहुत ज्यादा है, चांद की भी रोशनी चिराग से बहुत ज्यादा है। आपने एक छोटा रोशनी का इस्तियारा इस्तेमाल किया, कहा हुसैन मेरा चिराग जैसा है। हिकमत ये है, रसूलुल्लाह कह रहे मैं दुनिया को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जहां शमसे रिसालत की किरणें न पहुंचे, किरणें इमामत की रोशनी न पहुंचे, वहां चिरागे हिदायत ढूंढ लेना। जब ये इंसान यजीदियत की काली कोठरी में बंद हो जाए जहां न शमसे रिसालत की किरणें पहुंचे न इमामत की रोशनी पहुंचे, यहां इंसान करेगा क्या? तो रसूलुल्लाह ने कहा मैंने चिराग से क्यों तशबीह दी? कहा चिराग हर जगह मिलेगा, यह जरूरी नहीं है कि चांद की रोशनी हर जगह पहुंचे, सूरज की रोशनी हर जगह पहुंचे। जब तुम यजीदियत की काली कोठरी में बंद हो ना, न शमसे रिसालत काम आए न नूरे इमामत काम आए, चिरागे हिदायत हुसैन ढूंढ लेना। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले वहां। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वालिदाने गिरामी न सूरज से तस्बीह दी न चांद से तस्बीह दी, कहा हुसैन मेरा हिदायत का क्या है?
चिराग है। चिराग का दूसरा कमाल सुनिए, चिराग में दूसरा कमाल क्या पाया जाता है? आफ्ताब जितना रोशन सही, जितना बड़ा सही, अब्बास साहब उससे दूसरा सूरज नहीं बना सकते। जितना बड़ा सही उससे दूसरा रोशन सूरज कर ही नहीं सकते, ये इम्कान में है ही नहीं। यह नामुमकिन है कि एक सूरज से दूसरा सूरज, चांद जितना रोशन सही, एक चांद से दूसरा चांद आप रोशन नहीं कर सकते। कमाले चिराग ये है कि एक से हजार जलता है, एक से हजार चिराग जलता है। अब रसूल की हदीस, हुसैन हमारा हिदायत का चिराग है। चिराग का कमाल क्या है कि एक चिराग से हजार चिराग रोशन होता है। रसूल की हदीस, हुसैन मेरा हिदायत का चिराग है। चिराग का कमाल मैं बार बार तकरार करता रहूंगा जब तक आपके जहन में मेरी ये बात बैठ ना जाए। चिराग का कमाल, एक चिराग से हजार चिराग। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। तो जहां चिराग का कमाल यह है कि एक चिराग से हजार चिराग जलता है, वहां हुसैन का कमाल यह है, हुसैन हुसैन बनाता है, हुसैन हुसैन बनाता है। ये मेरी बात, ये मेरा फकरा बाज लोगों के जहनों पर शकील हो रहा है, बोझल हो रहा है, परेशानी हो रही है। हुसैन हुसैन बनाता है। अदीदाने गिरामी, चिराग से तस्बीह दी है तो चिराग का कमाल यह है कि चिराग से चिराग जलता है। हुसैन का कमाल यह है, हुसैन हुसैन बनाता है। जब मैं नतीजा दूंगा आप अपनी जगह बैठेंगे नहीं। अभी आप उलझन में है, अभी आप परेशानी में है, अभी आप सोच रहे हैं मौलाना ने ये क्या कहा। हुसैन हुसैन बनाता है। मेरे अजीजों दोस्तों याद रखना, नबी नबी नहीं बनाता, नबी मुसलमान बनाता है। नबी नबी नहीं बनाता, नबी मुसलमान बनाता है। इमाम इमाम नहीं बनाता, इमाम मोमिन बनाता है। हुसैन का कमाल यह है, हुसैन हुसैन बनाता है। आप कहेंगे दलील, तो शिया कौम बगैर दलील के कोई बात नहीं करती। हुसैन का कमाल यह है, जैसे चिराग का कमाल यह है कि एक से हजार जलता है, हुसैन का कमाल यह है, हुसैन हुसैन बनाता है। दलील ये है, शबे आशूर हुसैन ने कहा चले जाओ, चिराग जल रहा था मगर कोई अपनी जगह से नहीं उठा। फातिमा के लाल ने पहचान लिया चिराग रोशन है, रोशनी है। जाने वालों के चेहरे पहचाने जाएंगे, जाने वालों के चेहरे क्या है पहचाने जाएंगे। लोग देखेंगे कहा ये वो जा रहा है, फला खानदान का है, फला कबीले का है, फला का भाई है, फला का बाप है, फला का बेटा है, फला कबीले का है। नवासे रसूल ने जान लिया ये लोग उजाले में अपनी जगह से नहीं उठेंगे। कहा लो मैं चिराग बुझाए दे रहा हूं, कहा लो मैं चिराग बुझाए दे रहा हूं। अब शर्मिंदगी का हिसाब नहीं, चले जाओ जिसको जाना है। अब रवायत कहती है जब हुसैन ने चिराग बुझाया था तन्हा हुसैन था, जब चिराग जलाया 72 हुसैन थे। जब नवासे रसूल ने चिराग बुझाया था तो एक हुसैन था,
और रवायत कहती है जैसे ही नवासे रसूल ने चिराग रोशन किया 72 हुसैन थे। रसूल की हदीस यही है, हुसैन मेरा हिदायत का चिराग है, जैसे चिराग चिराग जलाता है वैसे ही मेरा हुसैन हुसैन जलाता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। गिरामी जब बात करबला की आ गई तो एक मैसेज एक पैगाम देते जाइए। हुसैन ने चिराग को जलाया तो अब एक हुसैन करबला की जमीन पर नहीं थे। कितने हुसैन थे? 72 हुसैन थे। अदीदाने गिरामी शहादत करबला से पहले मैसेज पैगाम, हुसैनी अपनी हयात पे जिंदगी पे फख्र करो। ये मामूली जगह पे तुम नहीं बैठे हो, ये जन्नत का एक हिस्सा है जहां तुम बैठे हो, कोई मामूली जगह नहीं है। जहां हुसैन का जिक्र होता है, हुसैन इस्तकबाल करते हैं, हुसैन गले लगाते हैं, हुसैन दीदार करते हैं, हुसैन मुस्कुराते हैं, तो आए देखे जाते हैं। आप जाकर के किताबें पढ़िए, आपको मालूम होगा। कोई किताब ना पढ़िए, सिर्फ एक किताब पढ़िए, आगे जाफर सुस्तरी की खसाइस हुसैनिया। क्या अकीदा है आपका? क्या अकीदा है? उन्होंने क्या क्या लिख दिया हुसैन के सिलसिले में? बस एक मैसेज और पैगाम करबला के हवाले से। जब तक करबला में शहादत नहीं हुई, दुनिया वालों ने कहा यह हबीब है, यह हबीब का गुलाम है, यह जान है, यह जान का गुलाम है, यह हुर है, यह हुर का गुलाम है। लेकिन जैसे ही करबला में शहादत वाके हुई, किसी मुअर्रिख के कलम में यह ताकत ना हुई कि वाके शहादत के बाद, करबला की शहादत के बाद अब कोई मुअर्रिख ये लिखता ये फला कबीले का है, ये रईस है, ये गुलाम है, ये हबीब है, ये हबीब का गुलाम है। शहादत के बाद हुसैन ने सिर्फ करबला वालों को एक नाम दिया, शोहदाए करबला है। शोहदाए करबला है। इसीलिए तो हुसैन की हर बार कहा आजाद है, मोमिन आए तो सर सर तस्लीम, गैर मुस्लिम आए आओ, मुस्लिम आए आओ, यहूदी आए आओ, ईसाई आए आओ, कोई रोक टोक नहीं है। कौन किस कबीले का है, कौन किस दयार का है, कौन किस करिए का है, किसका क्या मजहब है, हुसैन का दरबार आजाद है। जब यहाँ आ गए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, ये कोई और नहीं है। जब यहाँ आ गए ये सारे हुसैनी है। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी है ना बेटा, 10 मिनट है, 10 मिनट है ना, 10 मिनट है। बस एक रुख की तरफ और इशारा, बातें छोड़ दूंगा, कल भी मेरे लिए मौका है ना। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सारी बातें छोड़ देता हूं, इमाम की विलादत क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सारी बातें। लेकिन जब इमाम हुसैन की विलादत का जिक्र हो और फितरुस का जिक्र ना हो तो मौजू अधूरा होता है, मौजू अधूरा होता। लेकिन क्या क्या बारीकियां हैं कभी हम और आपने तलाश नहीं किया। सारी बातें छोड़ करके बस इतना जुमला जरूर कहूंगा उस छुटी हुई बातों में कि आज की शब ऐसी शब है कि परवरदिगारे आलम भी झूम उठा और हुक्म दिया जन्नत सजा दो,
सातों दरवाजे जन्नत के खोल दो, जन्नत को सजा दो। अब मैं यही कहता हूं, शायद पिछले साल भी मैंने यही कहा था, न ये सुन्नत रसूल है, न सुन्नत इमाम है, ये सुन्नत खुदा है। सुन्नत खुदा है इमाम की विलादत पर जश्न मनाना, तज़ीन करना, सजावट करना, न ये सुन्नत रसूल रज़ा साहब, ना सुन्नत इमाम है, बल्कि कौन सी सुन्नत है? सुन्नत खुदा है। जब गिरोह मलाइका ने आलम ये देखा कि जन्नत सजाई जा रही है, जहन्नम की आग बुझाई जा रही है, पलट के पूछा, परवरदिगारा माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है? कहा, मैं रसूल के यहां नवासा पैदा हुआ है, जिब्राइल जाओ मुबारकबाद देने के लिए। जिब्राइल 70,000 अंबिया के साथ जमीन की तरफ रवाना हुए। सारी बातें छोड़ता हूं, रास्ते में मिला कौन? अल्लाह की कसम, फख्र कीजिए हुसैन हमारे साथ है, फख्र कीजिए, खुदा की कसम फख्र कीजिए, नाज कीजिए अपनी किस्मत पर, हुसैन हमारे साथ है। फितरस तौर खुदा की बारगाह का निकाला हुआ मातूबे परवरदिगार है, शिकंजा कसा जा चुका है अजाब का, फिजा का कैदी है, और सजा क्या है? पलकों से उसे बांध कर उल्टा लटकाया गया। ये अजाब इलाही हो रहा है, कहां फिजा के कैदखाने, चारों तरफ बदबूदार हवा फैली। फितरस पड़ा है, गुजर हो रहा है। फितरस ने कहा, जिब्राइल कहां जा रहे हो? आसमान से अच्छी जगह कहा है, कहा जमीन पे जा रहा हूं, नवासे रसूल आया है, खुदा का हुक्म है, जाओ मुबारकबाद। कहा मुझे भी ले चलोगे? हाय हाय हाय, कहा मुझे भी ले चलोगे? कहा आओ चले। जिब्राइल ने वो फंदा जो आदाब का था वो हटाया, फितरस को वहां से आजाद किया, लेके चलने लगा। मैं कहूंगा जिब्राइल, तुम अल्लाह की बारगाह के नुमाइंदे हो, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर, जब तक अल्लाह कहता नहीं तुम हिलते नहीं। मुबारकबाद भी देने जा रहे हो तो अल्लाह के कहने के बाद जा रहे हो, ये किसने तुम्हें अख्तियार दिया? फितरस को तुम दस्सी से खोल करके लेकर के चले जा रहे हो। आया अल्लाह से पूछा, अरे चादर तकहीर में आने के बाद दो मरतबा पूछा, और अल्लाह का जो अजाब हो रहा है, फितरस का जो मातूम फरिश्ता है, तुमने खुदा से पूछा, अरे मेरे परवरदिगार, अरे इस पर अताब, ये गुनाहगार है, तेरी बारगाह का तू सजा दे रहा है, इजाजत है मैं उसे ले जाऊं? जिब्राइल ने आवाज दी, नादान जबान बंद कर लो, जबान बंद कर लो, मैं खूब जानता हूं, मगर ये याद रखना, अगर कोई खुदा का सजा याफ्ता कैदी हो और हुसैन तक जाना चाहता हो, उसे इजाजत की जरूरत नहीं है। बस आखिरी जुमला, खैर जिब्राइल लेकर के आ गए रसूलुल्लाह के घर में। पिछले साल की बातें हैं, वो नहीं बात दोहराऊंगा, बात बड़ी बारीकी करूंगा, बड़े पते की करूंगा और बड़े मजे की करूंगा। फिर कहूंगा, सजदे शुक्र करो कि तुम हुसैनी हो, शुक्र का सजदा अदा करो तुम हुसैनी हो। आए रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल लेकर के, सलाम किया, मुबारकबाद पेश की। रसूलुल्लाह जिब्राइल बतिया रहे थे, अपनी जबान में कह रहा हूं, हां बातें कर रहे थे, इधर मातूब फरिश्ता फितरस,
पड़ा हुआ था, रसूलुल्लाह ने पूछा जिब्राइल ये कौन है? कहा ये हुसैन अल्लाह की बारगाह से निकाला हुआ फितरत फरिश्ता है, अल्लाह ने इसके बालों पर छीन लिए, इसे अजाब में मुब्तला कर दिया था, मैं आ रहा था। इसने कहा मुझे भी ले चलो। एक मरतबा रसूल इस्लाम ने मुस्कुरा करके अजीब जुमला कहा, कहा जिब्राइल मुख्तार का घर है, ये मजबूरी कैसे, ये मजबूर फरिश्ता, क्या चाहिए? कहा पर चाहिए, कहा हुसैन के झूले से मस कर दो, बालों पर फितर उसको मिल गया। मिलने के बाद हम और आप भी जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, पर तो मिल गया, फितरों को खुशी हो रही है, मगर बार बार अपने परों को देख रहा है, इधर उधर इधर उधर। जिब्राइल ने देखा, कहा पूछा फितरों ये क्या देख रहे हो? कहा दिए हुए पर को देख रहा हूं, एक खुदा ने दिया था, एक हुसैन ने दिया है, एक खुदा ने दिया था, एक हुसैन ने दिया है। यानी अभी तक फितरुस ने वो बात नहीं की, अभी परों को देख रहा है, ये खुदा का दिया हुआ है, ये हुसैन का दिया हुआ है। अब फकरिया जुमला फितरुस कहता है, मन मिसली मेरे मिसल कौन है, अनादि कुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करता हूं। हाय 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 हाय, यानी जब बहुत अच्छी चीज लगी उसे फख्र करने लगा, यानी गोया फरिश्तों पे फख्र कर रहा है कि अब मेरे मिसल कौन है, मैं हुसैन का आजाद करता हूं। बस एक नुक्ते की तरफ बात खत्म। जिब्राइल ने क्या कहा, फितरुस ने क्या कहा, अना अतीकुल हुसैन। अतीक के मानी क्या है, आजादी। तलाक के मानी क्या है, आजादी। इसी तलाक से निकाला है, निकला है तोलका, आजाद किए हुए। अतीक कहा फितरुस ने, न तोलका कहा न तलीक कहा। अदीदाने गिरामी, आप बारह मलिसों में सुनते हो, सानिया जहरा का दमिश्क में खुतबा, जिनको याद है उनकी फिक्रों की परवादों को मेरा सलाम, और जो नहीं जानते मैं उन्हें ले जाना चाहता हूं। दरबारे दमिश्क है सानिया जहरा का खुतबा, उसमें एक फकरा, यबनत तोलका, अय हमारे आजाद किए हुए के बच्चों, अय मेरे आजाद किए हुए के तोलका का। तो तलीक तोलका ये भी आजादी, तलाक आजादी, अतीक आजादी। तो फितरुस ने तलीक क्यों नहीं कहा, अतीक क्यों? बड़ा जीरंग और चलाक है ये फितरुस, कमाल ये है, इतनी सजा काटने के बाद भी दरे हुसैन पर आया तो फिक्र सालिम रही, फिक्र उसकी सालिम रही, तलीक नहीं कहा, अतीक कहा। अदीदाने गिरामी, दोनों के माना एक है, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जब लफ्ज तोलका इस्तेमाल किया जाता है तो जो रिश्ता आजादी के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन जब अतीक इस्तेमाल किया जाता है तो आजादी के बाद रिश्ता बाकी रहता है। फितरुस ने अतीक कहा, ना अतीकुल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद करता हूं, हुसैन का आजाद करता तो हूं, मगर हुसैन से रिश्ता बाकी है। अब जब बालों पर मिल गए तो परवाज करने लगा, मलक का फर्श आसमान का था, फलक का था, जाने लगा। अल्लाह ने कहा फितरुस वहीं रुक जा, हुसैन ने चूंकि तुझे आजाद किया है, अब तेरी ड्यूटी ये है कि कयामत तक हुसैन की खिदमत करता रहा, जब तक जिंदा रहे हुसैन,
हुसैन की खिदमत फिरदौस ने की और जब करबला में शहीद हो गए आवाज़े कुदरत आई जिन फिरदौस अब रौज़ा हुसैन पर खिदमत कर। यहां अल्लाह अज़मत हुसैन बतला रहा है। फिरदौस को जमीन पर रोक दिया और कयामत तक फिरदौस की अभी ड्यूटी ये है कि वो हुसैन का तवाफ करता रहे, हुसैन को सलाम करता रहे। इसीलिए तो हदीसों में मिलता है कोई करबला जाए या ना जाए अल्लाह ने हुसैन के शरीर का मुकम्मल एहतमाम कर दिया है। अरे फिरदौस अकेला नहीं है बल्कि 4000 फरिश्तों के साथ जब वो रोज तवाफ़े हुसैन करता है। बस जदीदा ने गिरामी ये है मेरा हुसैन जिसने आकर के जमीन पर अल्लाह की बारगाह से निकाले हुए फिरदौस को आजाद कर दिया और करबला में आखिरी वक्त हुर को आजाद कर दिया। कहा जाओ तुम भी खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। फिरदौस से कहा जाओ परवाज करो और इधर करबला में हुर से कहा आओ मेरे साथ आ जाओ ताकि लानत के तौक से तुम बच जाओ। यही दुआ है खुदा की बारगाह में आज की शब। अरे मेरे परवरदिगार हमारा कोई नहीं सिवाय तेरी जात के और इन जवात मुकद्दसा के। हमारा कायनात में कोई मुंसो मददगार नहीं। अरे मेरे परवरदिगार तुझे इस मौलूद की आमद का वास्ता। जितने भी मोमिनीन नौजवान जवान बूढ़े बच्चे बैठे हुए हैं इन सबको मौलूद की आमद के सदक़े में दुनिया और आखरत की खुशियां नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे क़ुलूब को हुसैन की मोहब्बत से माला माल फरमा। परवरदिगारा हमें प्यार मोहब्बत खुलूस और भाईचारा से आपस में रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे दरमियान से अख्तलाफ इंतशारात कुछ मौलूद के सदक़े में बरतरफ फरमा। परवरदिगारा इस मौलूद के सदक़े में लोगों के रिस्क में वसअत व खैर व बरकत अता फरमा। परवरदिगारा इस मौलूद की आमद के सदक़े में तमाम मोमिनीन मोमिनात की हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा इस मौलूद की आमद के सदक़े में जितने भी मोमिनीन यहाँ बैठे हैं इन सबको तमाम आफात व बलियात व अमराज से महफूज फरमा। इनके दुश्मन अहले बैत से हिफाजत फरमा। आए मेरे परवरदिगार इस मौलूद की आमद के सदक़े में तमाम शियाने अली के घरों में रहमत नाज़िल फरमा। मुसीबत आफत बलाए बरतरफ फरमा। परवरदिगारा जो मरीद है उन्हें शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। मरहूमीन के मगफिरत फरमा। उनके दरजात को बुलंद फरमा। उन्हें जवार मासूमीन में जगह मरहमत फरमा। मौला हुसैन को हमारे अमल से राजी व खुशनूद फरमा। रोज महशर उनकी शफात हमें नसीब फरमा। हम सबको जल्द अज जल्द करबलाए मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार वारिस ताहिरा हजरत वली असर के दुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आबान व अंसार में शुमार फरमा। सारी दुआओं की कबूलियत के लिए इस जश्न की कबूलियत के लिए मिलजुल करके अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बाबा दे बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद। हज़रात आप तशरीफ रखें। दो गुजारिश है आप हज़रात से गुजारिश है अपनी जगहों पे तशरीफ रखें। हज़रात आपसे इल्तिमास है बस दो गुजारिश है बस दो मिनट के लिए कि शायरे अहले बैत जनाब नज़र फैज़ाबादी साहब के वालिद मोहतरम आईसीयू में फौजिया हॉस्पिटल में एडमिट है उनके लिए 5 बार अम्मा ये जी का वर्द करें। आप हज़रात सब मिलकर पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तरा इबादा हो यक्ष खुशू।
जनाब नजर फैजाबादी साहब के वालिद मोहतरम और जो कोई भी बंदे मोमिन जहां कहीं भी बीमार है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता उन सबको मुकम्मल शिफाए कामिला अजला इनायत फरमा। एक और गुजारिश है हजरत, एक सूरह फातिहा की आप हजरत से गुजारिश है, एक बार सूरह अलहम और तीन बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम हाजी नजर अली, मरहूम यूसुफ पंजवाली और मेरे वालिद मोहतरम का भी इसी साल अय्याम अजहर से पहले इस दार फानी को छोड़कर दारे बका की तरफ चले गए मरहूम सैयद मुजफ्फर हुसैन इब्न सैयद तौफीक हुसैन के लिए पढ़ दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीनिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन مالك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا أثار الله وابن ساري الوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا ابا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الإسلام الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها السلام علیکم وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسين السلام عليك يا محمد بن علي القادم السلام عليك يا جعفر بن محمد الصالح السلام عليك يا مصطفى جعفر القادم ورحمه الله وبركاته السلام عليك